हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे J&K ज्योग्राफी के लेक्चर 5th के बारे में। तो सेट ये हमारा 5th रहेगा। इस 5th सेट के अंदर हम टॉप 200 प्लस MCQ सीरीज़ को जो कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें जितने भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हम MCQs कर रहे हैं, जो रिपीटेड MCQs हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो J&K ज्योग्राफी का ये रहेगा पार्ट हमारा 5th। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो से पहले हमने जो 4 वीडियो किए थे, उस 4 वीडियो के अंदर हमने 120 MCQs को कवर किया था। आज हमारा रहेगा 121 MCQs। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। इसमें से जो सेंटेंस बताया गया है, इसमें जो फॉलोइंग स्टेटमेंट बताई गई है, जी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, जहाँ पे क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने आपको दो तीन बार पहले भी हमने डिस्कशन किया था, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको जहाँ पे सबसे पहले देखना कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो जहाँ पे बताया गया है इनकरेक्ट है, तो ये आपके लिए ये सबसे पहले ये आपको चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पे बताया गया है इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहले जो है, रावी क्रॉप्स आर यूजली हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, तो ये आपने साथ साथ में मुझे बताते जाना, ठीक है। तो सेकेंडली जहाँ पर बात करते हैं, राइस प्री डोमिनेटली खरीफ क्रॉप, पल्सिस आर लिग्यूमिनियस क्रॉप्स या खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। रबी क्रॉप्स जो होते हैं, क्या उसको यूजली हार्वेस्टेड किया जाता है अक्टूबर में? तो पहली जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स को हार्वेस्टेड नहीं किया जाता है। रबी क्रॉप्स को जहाँ पर अगर बात करें, तो रबी क्रॉप जो है, हम जो फसल लगाते हैं रबी क्रॉप्स, ये हम अक्टूबर मंथ में ही लगाते हैं, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में हो गया। तो ये इसकी जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है। राइस जो है प्री डोमिनेटरी खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल सही है। पल्सिस आर लिग्यूमिनस क्रॉप्स, बिल्कुल राइट है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, बिल्कुल सही है। बी सी एंड डी ये स्टेटमेंट सही ही है, पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि जहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालय रिवर? ट्रांस हिमालय रिवर के बारे में आपने बताना है। इसमें से ट्रांस हिमालय रिवर कौन सी है? क्या द्रास है, इंडस है, जेलम है या अस्तुर है? जहाँ पे कमेंट कीजिए। 122 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? ट्रांस हिमालय रिवर। ट्रांस हिमालय रिवर आपकी जहाँ पे इंडस है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो इंडस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर कीजिए। विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडो ऑफ गोल्ड? कौन से प्लेस को मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? गोरी मार्ग है, सोना मार्ग, पहलगाम या बाईसरन, ठीक है। तो ये आपने बताना है। 123 का आंसर बताइए, कौन सा जो है प्लेस, किस प्लेस को हम मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से जानते हैं? तो 123 का आंसर क्या बनेगा? 123 का आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी। 123 का आंसर क्या बनेगा आपका? बी बनेगा, ठीक है। तो सोनामार्ग इसका राइट आंसर रहेगा। तो सोनामार्ग इज़ नोन एज, सोनामार्ग जो प्लेस है इसको बोलते हैं मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 124, वेर इज़ अ 7 स्टोर्ड बिल्डिंग डैम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स? ये आपने बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इसको तोसा मैदान बोलते हैं, बसमाई गली बोलते हैं, नीलनाग लेक बोलते हैं या सांगे सफ़ेद वैली? 124 का आंसर बताइए। तो इसको तोसा मैदान बोला जाता है, ठीक है। तो 7 स्टोर्ड बिल्डिंग जो डैम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स, ये है आंसर इसका, तोसा मैदान। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर कीजिए। जहाँ पे पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इंडिया का, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मासिस? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इंडिया का, ये कौन से लैंड मासिस से बिलोंग करता है? क्या अंगारा लैंड से बिलोंग करता है, गोंदवाना लैंड से, या यूरोशियन प्लेट से, या पेंजिया लैंड से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 125 का आंसर क्या बनेगा? 125 का आंसर आपका बी बनेगा, गोंदवाना लैंड, ठीक है। गोंदवाना लैंड इसका राइट आंसर है। पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है ये बिलोंग करता है, जहाँ पे लैंड मासिस का अगर क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे, तो गोंदवाना लैंड इसका राइट आंसर है। चलिए, 126 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 126 का आंसर बताइए, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली है, काराकोरम है, सह्याद्री है या हिमालयाज है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, 126 का आंसर बताना आपने। सो 126 का आंसर क्या रहेगा? 126 का आंसर रहेगा अरावली। अरावली जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 127, 127 का आंसर बताइए यहाँ पे। 127, विच इज़ द हाइएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर एंड इज़ द कंट्रीज प्रीमियर स्काई रिजॉर्ट इन द विंटर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 127 का आंसर बताइए, क्या इसको गोरी मार्ग है, लद्दाख है, पहलगाम है या वैसरन है? 127 का क्या आंसर रहेगा? 127 का आंसर आपका रहेगा गोरी मार्ग। गोरी मार्ग इसका राइट आंसर है, ठीक है।
128 का आंसर बताइए, 128 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट इन 1862 इन अ यूनिक फ्रेंच, जहाँ पे फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय डोगरा किंग एंड हैज़ नो बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। ठीक है, तो फ्रेंच जो है स्टाइल में एक आर्किटेक्चर बनाया गया था डोगरा किंग के द्वारा, अभी इसको कन्वर्टेड कर दिया गया है किसमें, म्यूजियम में। ये आपने ऑप्शन बताना है, लेह पैलेस है, अमर महल पैलेस है। इसके साथ मैं दो ऑप्शन आपको और दिखाऊँ, जहाँ पे मॉनेस्ट्री है और डी वार्ड में बागे बहु फोर्ट है। तो इसका 128 का आंसर बताना हमने, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 128 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा जहाँ पे। ठीक है, ये है अमर महल पैलेस। ठीक है, तो ये इसको बिल्ट किया गया था 1862 के अंदर, एक यूनिक फ्रेंच जो है स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसको बनाया गया था डोगरा किंग के द्वारा, और नो हैज़ बीन कन्वर्टेड, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, दैट इज़ अमर महल पैलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताइए। द रावी इज़ अ ट्रांसबाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान। द रिवर ड्रेन अ टोटल कैचमेंट एरिया, यहाँ पे देखिए 14,442 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया आफ्टर फ्लोइंग फॉर ए लेंथ ऑफ, तो ये आपने लेंथ के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 129 का आंसर बताइए, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ पे बताई गई है 3500 किलोमीटर्स है, उसके बाद 1500 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर, 720 किलोमीटर्स। 129 का आंसर बताना आपने, 129 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर सीधा बनेगा आपका 720। ठीक है, 720 किलोमीटर लेंथ है किसकी, ये रावी जो है, रावी एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है। ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान, और रिवर ड्रेन करती है टोटल कैचमेंट एरिया जो है, इतना कैचमेंट एरिया आफ्टर द फ्लोइंग फॉर ए लेंथ ऑफ पाकिस्तान, तो ये 720 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। 129 का आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना इन द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल सेपरेट्स इट फ्रॉम द पाकिस्तान कंट्रोल टेरिटरीज ऑफ POK एंड गिलगित बाल्टिस्तान इन द, तो जहाँ पे 130 का आंसर बताना आपने, क्या इसका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रिस्पेक्टिवली है, साउथ एंड साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, या वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 130 का आंसर क्या बनेगा आपका, 130 का आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट रिस्पेक्टिवली इसका राइट आंसर रहेगा। 131 का आंसर बताइए, 131। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट एजेस एंड ग्रेड्स ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन ऑफ कश्मीर इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एट, तो ये आपने ऑप्शन बताना है इसका कौन सा इसका राइट आंसर। 131 का आंसर बताना है, बारामूला, बियान, क्रियू, उसके बाद एश मुकाम एंड सुबर और लच्छीपुरा। ठीक है, तो 131 का आंसर बताइए, 131 का आंसर आपका क्या बनेगा, ये आपका बी बनेगा। ठीक है, जहाँ पे बियान एंड क्रियू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपको वापस से। क्वेश्चन नंबर 132, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग विच अमंग दीज इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव स्टोन फॉर बाइंग एंड फाउंड इन कारगिल, ले, गांदरबल, बारामूला, पूंछ एंड डोडा इन अबंडेंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन बताना आपने, 132 का आंसर क्या रहेगा, 132 का आंसर बताइए यहाँ पे, क्या जी इसको क्वार्ट्जाइट बोलते हैं, सेफियर बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं, या कोल बोलते हैं। 132 का आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, ग्रेनाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी। 133 का आंसर बताइए, 133 का आंसर बताना है। देर इज़ अ वाइड स्कोप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन जे एंड के स्टेट, विच आर द फॉलोइंग इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड, उसके बाद क्यूक्लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास पेपर, और इसके बाद पेंट्स। 133 का आंसर बताने का, इसको मार्बल है, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, या कोल है। 133 का आंसर आपका क्या बनेगा, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए 134 का आंसर बताना आपने, 134 का आंसर क्या रहेगा, 134 का आंसर बताना आपने, द एरिया ऑफ जे एंड के इलीगली हैंडेड ओवर बाय पाकिस्तान टू चाइना इज, जिसमें टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आंसर इसका क्या बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में साथ में जरूर कमेंट करते जाइएगा। तो 134 का आंसर आपका ये बनेगा, 5180 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया। ठीक है, तो जहाँ पे जो एरिया है जे एंड के इलीगली हैंडेड ओवर किया गया पाकिस्तान टू चाइना इस, दैट इज़ 5180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। 135 का आंसर बताइए, 135 का आंसर, द लेक इज़ लद्दाख आल्सो नोन एज वाइट साल्ट वाटर लेक, द लेक इन लद्दाख आल्सो नोन एज वाइट साल्ट वाटर लेक, उसको सोमरोरी लेक बोलते हैं, सोखार, पेंगोंग, या रूपशू। 135 का आंसर बताइए, 135 का अपना आंसर बनेगा आपका आंसर बी। ठीक है, शो खर, ये इसका राइट आंसर है।
तो जो लेक है लद्दाख के अंदर आल्सो नोन एज वाइट साल्ट वाटर लेक। 136 का आंसर बताइए। 136 का आंसर विच एमंग द फॉलोइंग, तो 136 का आंसर बताइए आप, जहाँ पे पलोड़ा है, नगरोटा है, आरएसपुरा या अर्निया, इसमें से कौन सा बिगेस्ट विलेज है जेएंडके का। 136 का आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर डी बनेगा, अर्निया इसका राइट आंसर है, ठीक है। 137 का आंसर बताइए। 137 का आंसर बताइए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पॉट हेली स्काइंग वाज इन अ ईयर ऑफ, तो ईयर बताना आपने, 137 का आंसर बताना आपने, तो 137 का आंसर क्या बनेगा आपका, 1988, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ इट सोर्स इन बैरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसमें से कौन सी रिवर है जम्मू कश्मीर की इसका सोर्स जो है बैरीनाग स्प्रिंग है और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झेलम है, किशन गंगा है, तवी है या इंडस है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 138 क्वेश्चन का आंसर, 138 तो 138 का आंसर आपका ये बनेगा, झेलम रिवर, इसका सोर्स क्या है, बैरीनाग स्प्रिंग है और ये है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये राइस की वैरायटी के बारे में बताना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रो की जाती है, स्टारकीमन, उसके बाद गोल्डसपुर, एमएम थर्ड या के 332, स्टार जहाँ पे स्टार क्रिम्सन लिखा हुआ, ठीक, तो ऑप्शन बताना 139 का आंसर क्या रहेगा, 139 का आंसर क्या रहेगा, 139 का आंसर रहेगा आपका के 332 इसका राइट आंसर है, आंसर डी बनेगा, 139 क्वेश्चन का एक आंसर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 140, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बताना, 140 का आंसर बताना, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट जो है मैच करती है, दूध पथरी बैलिया बिल्कुल राइट है, सोनामार्ग मिडो ऑफ गोल्ड बिल्कुल राइट है, पुरमंडल छोटा काशी बिल्कुल राइट है, कुपवाड़ा जो है मिडो ऑफ फ्लावर से मैच नहीं करता है, सो पहले तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा आंसर गलत है, तो इसमें 140 का आंसर क्या बनेगा, हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट चाहिए, तो 140 का क्या बनेगा, डी बनेगा, कुपवाड़ा जो है। अच्छा जी, मिडो फ्लावर किसको बोलते हैं जी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर बताइए, खड़दुंगला बिलीव टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट मोटर एबल रोड्स इन द वर्ल्ड इज बेस्ट नोन एज द गेट वे ऑफ, इसमें से बताना है कौन सी वैली के अंदर है, कैटी वैली, चोपटा वैली, नुब्रा वैली या हबन वैली, तो 141 का आंसर बनेगा आपका, जहाँ पे आंसर सी, नुब्रा वैली इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी बनेगा, नुब्रा वैली इसका राइट आंसर है। चलिए 142 का आंसर बताइए, 142 विच आर द फॉलोइंग रीजन्स इन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो मेजर प्रोड्यूसर बताना सैफरन का इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेह डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर विलेज, जम्मू डिस्ट्रिक्ट या सुरू वैली, 142 का आंसर बताइए, 142 का आंसर बताइए, तो ये आंसर इसका रहेगा आपका कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा प्लेस है, जी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सैफरन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रियासी फोर्ट, रियासी फोर्ट जो है और किस नाम से जाना जाता है, धनीदार फोर्ट, धनीदार फोर्ट कहाँ पे है, जी रजौरी के अंदर है, बाहू फोर्ट कहाँ है, जम्मू के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको दो ऑप्शन और दिखाऊंगा, उसके बाद एक है जहाँ पे जसरोटा फोर्ट और भीमगढ़ फोर्ट, तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 143 का आंसर बताइए, तो रियासी फोर्ट को भीमगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना था, वो आंसर आपका बनेगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बताइए, 144 का आंसर बताइए, यहाँ पे जहाँ पे 144 का आंसर बताइए, द टेम्परेचर इन कश्मीर इन विंटर मे गो डाउन, जहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसमें डाउन चला जाता है, किसमें, विंटर्स के अंदर, कश्मीर के अंदर, हिली एरियाज वाइल इन द प्लेन हैव अ कंपैरेटिवली बेटर टेम्परेचर एट -5 to -8 degrees, और लोकल जो पीपल्स होते हैं वो बियर करते हैं, पहनते हैं वूलन क्लोथ्स एंड अ लॉन्ग गाउन टू सेव देम फ्रॉम द चिल, तक दिस गाउन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, 144 का आंसर बताइए, 144 का, तो उसको क्या, इसको मुंडू बोलते हैं, उसके बाद पुनसेही बोलते हैं, फेरन बोलते हैं या धोतर बोलते हैं, सो आंसर आपका 144 का क्या बनेगा, सी फेरन, फेरन इसका राइट आंसर है। नो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोबादरी हिल इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट द हाइट ऑफ 1100 feet अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी, 145 का आंसर बताना आपने, क्या इसको
वेंकटेश्वर टेम्पल बोलते हैं, सोमनाथ टेम्पल बोलते हैं, जगन्नाथ टेम्पल बोलते हैं, या शंकराचार्य टेम्पल बोलते हैं। 145 का आंसर क्या बनेगा? 145 का आंसर आपका डी बनेगा, दैट इज़ शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, तो शंकराचार्य टेम्पल जो है लोकेटेड है गोपादारी हिल्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट द हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर बताइए, 146 का आंसर बताइए। विच आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज लचन पालकर पालकर्स। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग में अगर इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। 146 का आंसर बताइए, इसमें 146 का क्या आंसर बनेगा, 146 का। तो ये जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है इसको और किस नाम से जाना जाता है, ले पैलेस के नाम से। सो 146 का आंसर आपका बनेगा डी। चलिए जी, 147 का आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डोलोमाइट इज अ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी रजौरी उधमपुर रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ मेनली यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ। 147 का आंसर बताइए, क्या इसको रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनती हैं, सीमेंट बनता है, उसके बाद क्रूसिबल्स बनता है, डेकोरेटिव स्टोन्स बनते हैं। 147 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, रेफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर बताइए यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर एंड इट्स सोर्स इज लोकेटेड इन द कैलाश माउंटेन एट एन एलिवेशन ऑफ 14,100 फीट क्लोज टू भद्रवाह माउंटेन ऑफ द जे एंड के। 148 का आंसर बताना आपने, क्या वो चिनाब रिवर है, उज्जर रिवर है, झेलम रिवर है या तवी रिवर है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका आंसर बनेगा बी, उज्जर रिवर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर बताइए, 149 का आंसर बताइए। द सिक्स रिवर ऑफ द इंडस बेसन फ्लो अक्रॉस द हिमालयन रेंजेस टू एंड इन द अरेबियन सी साउथ ऑफ द कराची, दे ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं जी। 149 का आंसर बताइए, क्या जो तिब्बत से होती हैं, बांग्लादेश से होती हैं, पाकिस्तान से या जम्मू कश्मीर से। सिक्स रिवर जो है इंडस बेसन जो कि फ्लो करती है हिमालयन रेंजेस से, हिमालयन रेंजेस टू एंड इन द अरेबियन सी साउथ, तो ये सारी की सारी कहाँ से फ्लो करती हैं, जो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। सो 149 का आंसर बनेगा आपका ए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर बताइए, 150 का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 150 का। विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एंजलर पैराडाइज। एंजलर पैराडाइज के नाम से कौन सा प्लेस जाना जाता है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, अनंतनाग है, पहलगाम है। तो 150 का आंसर क्या बनेगा, 150 का आंसर क्या बनेगा, 150 का आंसर आपका बनेगा पहलगाम, पहलगाम इसका राइट आंसर है। तो जहाँ तक आज हम अपनी सीरीज को रखेंगे, 150 क्वेश्चन हमने कर लिए, 200 से ज़्यादा अगर हम कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, कम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आज हम अपने वीडियो को जहाँ तक रखेंगे। कैसा लग रहा है आपको सीरीज़ हमारी, कैसी सीरीज़ लग रही है जे एंड के ज्योग्राफी की, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।